यार कौन आ गया। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा जा रहा है फाइंड वाई इफ द डिस्टेंस बिटवीन सेवन कॉमा वन एंड 3, y is 5 units। कहा जा रहा है कि हमें y निकालना है, मतलब ये जो पॉइंट है इसके अंदर जो y कोऑर्डिनेट है उसकी वैल्यू हमें निकालनी है जब इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का डिस्टेंस जो है वो 5 units के बराबर है। तो दोनों के दरमियान का डिस्टेंस दिया हुआ है, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए। हम इस सवाल में करेंगे क्या, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था कि हम पॉइंट्स को नाम देंगे। लेट ए 7.1 एंड बी 3.y आर दी 2 एंड पॉइंट्स। टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला कह रहा है भाई डी बराबर है अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट चाहिए। हेयर जो पॉइंट ए है हमारे पास 7.1, इसको हम x1 y1 कहेंगे। पॉइंट बी को हम मतलब 3.y, इसको हम x2 y2 कहेंगे। तो अब हमारे पास डिस्टेंस ए बी मतलब ए से बी तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा अंडर रूट x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। अब हमारे पास x2 जो है वो 3 है और x1 जो है हमारे पास 7 है, वो यहाँ आ जाएगा। y2 की जगह y आएगा, y1 की जगह 1 आ जाएगा। तो x2 - x1 प्लस y2 - y1। बेटा ए बी जो डिस्टेंस है वो बराबर है किसके, 5 units के। तो यहाँ पे हम 5 रख देंगे, ये बराबर आ जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस y - 1 का स्क्वायर। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो ये आ जाएगा 16 प्लस y - 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा, 25 बराबर आ जाएगा 16 प्लस y - 1 का स्क्वायर। 16 उधर जाके नेगेटिव 16 हो जाएगा और ये y - 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 25 - 16 9 आ गया। क्योंकि y की वैल्यू हमें चाहिए तो हम अब दोनों साइड्स पे स्क्वायर रूट लगा देंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो यहाँ पे 9 पे स्क्वायर रूट। सर ये रूट कैसे कैंसिल हुआ, रूट कैसे कैंसिल हुआ? कौन सा रूट? ये वाला होल स्क्वायर लगा हुआ है ना, पहला वाला होल स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सर तो y माइनस 1 पे भी तो है, तो माइनस है ना वो तो। अरे y माइनस 1 तो अंदर है ना, बीच में प्लस की साइन। देखो जब भी दो वैल्यू के प्लस की साइन हो और स्क्वायर रूट लगाओ तो इस स्क्वायर से ये रूट नहीं कट सकता। ये रूट कब कटेगा? जब बाहर स्क्वायर लगा होगा, तो बाहर वाले स्क्वायर ने इस स्क्वायर रूट को कैंसिल किया। सही है, सही। अब हमारे पास 9 का रूट आ जाएगा +-3, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये y-1 आ गया।
तो हमारे पास ये माइनस का वन उधर चला जाएगा, तो प्लस का वन और प्लस माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई, मतलब हम y की दो वैल्यूज निकालेंगे, एक दफा प्लस की साइन लगाएंगे और एक दफा माइनस की साइन। तो y आ जाएगा एक हमारे पास 4 और y आ जाएगा हमारे पास माइनस 2। तो हमारे पास ये दोनों वैल्यूज रिक्वायर्ड वैल्यूज होंगी y की। कोई मसला, कोई परेशानी, कोई टेंशन? हाँ भाई, छाप लिया? हो गया सर। क्या कह रहे हो भाई? कह रहा हूँ हो गया। अच्छा भाई, चलो बाकियों से तो पूछ लो यार, तुम तो भाई चीता हो। मैं कैसे पूछूं? आप पूछ रहा हूँ ना बाकियों से भी यार। अच्छा अच्छा कोई मसला नहीं है सर, हो गया सर। ठीक है भाई, मिटा रहा हूँ मैं, फिर कोई ये ना कही है कि सर आपने मिटा दिया, हम तो लिख रहे थे। अच्छा तो भाई आप लोग इस काबिल हो गए, काबिल तो आपको बहुत जल्दी बना देते हैं, कि आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 घर से कर लें भाई, होमवर्क है आपका। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। सर सवाल सेंड कर दो, बुक नहीं है। अबे भेजा तो था सवाल, नहीं भेजा? नहीं, ये 3 भेजो ना, 3 का 3। चलो भेज दूंगा मैं, टेंशन नहीं लो। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 है, बड़ा ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इस एक्सरसाइज से ये सवाल बहुत बार आया है पास्ट पेपर में। तो इस सवाल में क्या कहा जा रहा है यार, मैं सवाल पूरा लिख नहीं रहा, मैं समझा रहा हूँ सवाल को पढ़ के। कहा जा रहा है द लेंथ ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज 5 यूनिट्स। एक लाइन है जिसकी लेंथ 5 यूनिट्स है। बहुत प्यारी बात कर दी इन्होंने, इस लाइन की जो लेंथ है वो 5 यूनिट्स है। कहा जा रहा है वन ऑफ इट्स एंड पॉइंट्स इज एट 1, -2। कह रहे हैं इसका जो एक एंड पॉइंट है वो 1, -2 है। बहुत प्यारी बात कर दी। कह रहे हैं इफ द एब्सिसा, सही है, क्या कहा हुआ एब्सिसा? मैंने शुरू की क्लास में बताया था कि एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा एक्स कोऑर्डिनेट दोनों एक ही चीज है, हम बेसिकली एक्स को जो है वो एब्सिसा कहते हैं।
और ऑर्डिनेट हम किसे कहते हैं, अगर सवाल में कहीं लिखा रहा है ऑर्डिनेट तो ऑर्डिनेट का दूसरा नाम है वाई कोऑर्डिनेट। ये क्या होता है बेसिकली, ये होता है वाई। तो सवाल में कह रहे हैं इफ द एब्सिसा ऑफ द अदर एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट का एब्सिसा मतलब एक्स की वैल्यू, मतलब पहली वैल्यू क्या है, फोर है। प्रूव दैट इट्स ऑर्डिनेट मस्ट बी टू और माइनस सिक्स। कह रहे हैं y की जो वैल्यू है वो टू और माइनस सिक्स आएगी, ये बात प्रूफ करनी है। मतलब हमें यहाँ पे y निकालना है, y की वैल्यू हमें नहीं पता और हमें ये बताना है कि y की जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यूज होंगी। तो बेटा वही काम करेंगे, इसको हमने a कह दिया, इसको हमने b कह दिया। लेट ए वन कॉमा माइनस टू एंड बी फोर कॉमा वाई। आर दी टू एंड पॉइंट्स ऑफ लाइन ए बी। वही काम करना है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, डी बराबर है अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x1 y1 चाहिए, x2 y2 चाहिए, पॉइंट a को हम x1 y1 कहेंगे, पॉइंट b को हम x2 y2 कह देंगे। अब हमारे पास A से B तक का जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x2 की जगह 4 आएगा, x1 की जगह 1 आएगा, y2 की जगह y आएगा, y1 की जगह माइनस टू। तो माइनस माइनस प्लस टू हो जाएगा ये। बेटा डिस्टेंस क्योंकि फाइव यूनिट्स है तो ए बी की जगह पे फाइव आ जाएगा, तो ये आ जाएगा थ्री का स्क्वायर प्लस y प्लस टू का स्क्वायर। तो यहां पे हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स कर देंगे, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 9 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर। से रूट कैंसिल हो जाएगा, 25 बराबर आ जाएगा 9 प्लस y प्लस 2 का स्क्वायर। 9 उधर चला जाएगा तो माइनस का 9 हो गया और ये हो गया y प्लस 2 का होल स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू y प्लस 2 का होल स्क्वायर। Taking square root on both sides, तो दोनों sides पे square root आ जाएगा, 16 पे भी square root आ जाएगा, y plus 2 के square पे भी। Square से root cancel, 16 का root plus minus 4 और ये आ जाएगा y plus 2। ये 2 positive है, उधर जाके ये 2 negative हो जाएगा और y की हमारे पास दो values आएंगी, एक में लिखेंगे minus 2 plus 4, एक में प्लस की साइन आएगी बीच में और एक में माइनस की साइन आ जाएगी बीच में। तो y आ जाएगा हमारे पास 2 और y आ जाएगा हमारे पास माइनस 6। तो बच्चों यही दो वैल्यूज हमें प्रूव करनी थी कि जो y की वैल्यूज हैं वो क्या आएंगी, 2 और माइनस 6। तो ये बात प्रूव हो गई। कोई मसला है सवाल में, कोई टेंशन कोई परेशानी, मिसाल दे दे।
सर दो आंसर क्यों होंगे सर, हम आंसर पॉजिटिव सपोज नहीं करेंगे। वह तेरे को बोलने का किसने दिया? क्या हुआ तलत? कुछ नहीं सर, अलियान कह रहा है पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। किसका? ये कह रहे पॉजिटिव आंसर नहीं लिख सकते। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आएंगे ना यार, कोऑर्डिनेट्स हैं। कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? पॉइंट की लोकेशन बताते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में है पॉइंट। पॉइंट पॉजिटिव, आप अलियान से पूछ ले सर। पॉइंट पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं और फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। ये होता सही है। सही है सर, सही है सही है, याद आई है। सर हो गया काफी। अच्छा ठीक है बेटा, मैं इसको मिटा देता हूँ। सर एक मिनट, सर एक मिनट, सर सर अजान क्यों नहीं आया? अच्छा अच्छा रुक गया, पता नहीं अजान को क्या हो गया, आज आया ही नहीं अजान। वो आपसे नाराज होगा। मुझसे नाराज होगा? जी सर। मैंने क्या कर दिया उसके साथ भाई? कल वो आपको बोला था ये नहीं बेटा, वो आपने मिटा दिया नीचे के लाइंस। अरे यार उसने भी तो बाद में बोला जब मैंने मिटा दिया। ठीक है मैं मना लूंगा, पर एक तो जिंगर लगेगा सर। हाँ एक जिंगर लगेगा। एक जिंगर लगेगा बस, इतने सस्ते रेट? हाँ जी सर, खिला देंगे यार एक जिंगर। भैया मिटा दें सर। अच्छा मिटा दो। हाँ सर मिटा दे। चले भाई मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं भाई। अब 5 बहुत प्यारी बात कह रहा है भाई, शो दैट -5.3 3.2 and -1.-4 are the vertices of an isosceles triangle. भाई कौन सा triangle होता है ये isosceles triangle? हाँ भाई कोई बताएगा? सर होता है ट्रायंगल तो होता है। ट्रायंगल तो होता है, बहुत प्यारी बात कर दी तुमने, बहुत जाहिलों वाली बात करी है। और कोई जाहिल? सर जिसका ए और एक दोनों साइड्स इक्वल होती हैं शायद। बिल्कुल या आंसर्स। बिल्कुल एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम आइसोसेलियस ट्रायंगल कहते हैं। तो हमें यहाँ पे भी दो साइड्स को इक्वल प्रूव करना है। अब ट्राइंगल के हमें वर्टिसेस दिए हुए, वर्टिसेस क्या है? कॉर्नर्स दिए हुए, एक दिया हुआ है -5.3, एक दिया हुआ है 3.2 और एक दिया हुआ है हमारे पास -1.-4। तो हमें ये तीन पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनको हम ए बी और सी का नाम दे रहे हैं।
अब ये रियलमी कौन है भाई? जो भी है भाई एंटर नहीं करेंगे. लेट माइनस 5.3 बी 3.2 एंड सी -1, -4 आर दी वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलस ट्रायंगल. अब बेटा हमें यहाँ पे इस ट्रायंगल की लेंथ निकालनी होगी तीनों साइड्स की. सबसे पहले हम साइड ए बी निकालेंगे टू फाइंड डिस्टेंस ए बी. साइड ए बी की लेंथ चाहिए तो हम यूज करेंगे डिस्टेंस फॉर्मूला. यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का स्क्वायर + y2 - y1 का स्क्वायर. हियर ए हमारे पास -5.3 इसको हम x1 y1 कहेंगे. बी हमारे पास 3.2 इसको हम x2 y2 कह देंगे. ए से बी तक का डिस्टेंस निकालेंगे x2 पहले लिखेंगे 3x2 - x1 का स्क्वायर. x1 की जगह -5 आ रहा है तो ये -5 हो जाएगा. y2 की जगह 2 आ जाएगा और y1 की जगह आपके पास आ जाएगा 3. तो ये आ जाएगा हमारे पास 3 + 5 = 8 का स्क्वायर एंड -1 का स्क्वायर. तो ये आ जाएगा 64 + 1 मतलब डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास √65. लेंथ आ जाएगी हमारे पास साइड ए बी की. अब हम निकालेंगे साइड बी सी. टू फाइंड डिस्टेंस बी सी, बी को हम कहेंगे इनिशियल पॉइंट मतलब x1 y1 और सी है हमारे पास -1, -4 इसको हम कहेंगे x2 y2 फाइनल पॉइंट. तो हमारे पास डिस्टेंस बी सी आ जाएगा x2 - x1 की जगह 3 + y2 की जगह -4 - y1 की जगह 2 आ जाएगा. तो -4 का स्क्वायर - 6 का स्क्वायर. तो 16 + 36 मतलब डिस्टेंस बी सी आ जाएगा √52 units. इसी तरह हम निकालेंगे डिस्टेंस सी ए. सी पॉइंट है हमारे पास -1, -4 जिसको हम x1 y1 कहेंगे और ए पॉइंट है हमारे पास -5.3 जिसको हम x2 y2 कहेंगे. अब हमें डिस्टेंस निकालना है इन दोनों के दरमियान का. तो सी ए जो डिस्टेंस है वो बराबर आएगा √x2 - -5 - -+1 हो जाएगा क्योंकि फॉर्मूले का माइनस आता है यहाँ पे. y2 की जगह 3 - y1 की जगह -4 तो -4 हो जाएगा. और हमारे पास सी ए जो डिस्टेंस है ये आ जाएगा -4 -5 + 1 तो 4
फोर का स्क्वायर हो जाएगा 16, ये हो जाएगा हमारे पास 3 + 4 = 7, 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, दोनों को ऐड करा देंगे तो हमारे पास इसका रिजल्ट आ जाएगा अंडर रूट 65 यूनिट। दो लेंथ इक्वल आ गई है तो इसका मतलब है कि ये आइसोसेलियस ट्राइंगल है। इसको यहां तक कॉपी कर लें, एंड में एक स्टेटमेंट लिखनी होगी वो भी मैं बताता हूं, इसको कॉपी कर लें पहले। कोई मसला हो इस सवाल में तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। सर एक सवाल है। क्या हुआ सर? एक सवाल है, डिस्टेंस और लाइन सेगमेंट क्या सेम चीज है? भाई लाइन सेगमेंट की हम लेंथ निकालते हैं ना, वो ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूले। तो आपको दो पॉइंट्स कहीं पे भी दो पॉइंट्स पता हो और आपको लेंथ निकालनी हो तो आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। सर इसका आंसर 65 आया। किसका आंसर? सीए का। सीए का 65 है ना रूट? हाँ ठीक है सर, वही तो लिखा है ऊपर, वही तो लिखा हुआ है। क्या हो गया? सो रहा है क्या? आपने उधर लिख दिया, हमारे को नजर कहाँ आ रहा है सर? बेटा आप अपना इलाज कराएं। ऐसे ही कर रहा है, सस्ते में से कर रहा है और कुछ भी। सर जब तक कोचिंग नहीं खुल रहा तो हमारे वीकली टेस्ट भी नहीं होंगे। अरे यार मैं कुछ जो है ना वीकली टेस्ट का सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। वीकली टेस्ट ऑनलाइन हो सकते हैं लेकिन वो सिर्फ एमसीक्यूज बेस्ड हो सकते हैं, तो ये किया जा सकता है कि एमसीक्यूज बेस्ड सवालात का टेस्ट लिया जाए। वैसे तो मुश्किल है टेस्ट लेना, तो मैं यही सोच रहा हूँ कि जो सवालात है ना वो एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके टेस्ट की फॉर्म में दे दूंगा। आप लोग उसको सवाल वाली मेथड से करके उसको टिक करके और जो भी आपने सॉल्यूशन किया होगा उसकी पिक्चर भेज दीजिएगा, तो मैं इंशाल्लाह मेथड निकाल रहा हूँ इसका, तो मैं बताऊंगा टेस्ट के हवाले से। सर तो कोचिंग कब खुल रहा है यार? तो ये बात हमको कोरोना से पूछना पड़ेगा कि वो कोचिंग कब खोल रहा है। अच्छा सर, भाई पता नहीं कब खुलेंगे तालीमी इदारे। इमरान खान ने तो कहा है कि 31 अगस्त तक बंद रहेंगे। तालीम आम हो गई है यार सर? तालीम आम हो गई है।
अभी जाहिल भी हासिल करेंगे। मसला ये है कि यार तालीमी इदारों से ज्यादा फैलने का खतरा है ना, क्योंकि वहाँ बच्चों की तादाद ज्यादा होती है। चेजब में नहीं होती, इम्तियाज मार्केट में नहीं होती है, पापोश में नहीं होती है, इधर तालीमी इदारों में होती है। सर यार जहाँ तक रोक सकते हैं वहाँ रोकने की कोशिश कर रहे हैं लोग, बाकी हमारी आवाम जाहिल है माशाल्लाह से। सर लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि वो गवर्नमेंट स्कूल भी ऑनलाइन क्लासेस लेंगे। सर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे वैसे नहीं पढ़ते, ऑनलाइन क्लास में कैसे पढ़ेंगे, और इतना कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता सर। यार गवर्नमेंट की तो फीस नहीं है ना, मतलब फीस ना होने के बराबर है, तो उसमें अफोर्ड करने का कोई मसला नहीं है। तो गवर्नमेंट स्कूल में बच्चे देखें कैसे कैसे पढ़ रहे होते हैं, वो कैसे अफोर्ड, वो कुछ करेंगे भाई। फेसबुक तो हर कोई यूज करता है ना आजकल, फेसबुक के जरिए ही करेंगे। सर आजकल गरीब नहीं है, हर बंदा अमीर है। अबे भाई हर कोई फेसबुक यूज कर रहा है, हर किसी के पास मोबाइल है। ये बात आपकी सही है, गरीब को देखो आईफोन पकड़ा होता है, इन्फिनिक्स पकड़ा होता है। सही बात है, करेंगे। चल हो गया सर, हो गया भाई। बाकी लोगों ने छाप लिया, क्लास का टाइम खत्म होने में 5 मिनट बाकी हैं। ऑनलाइन तो लिख दो सर, आप जॉब कह रहे थे आप कर दें। हाँ सर, क्या चीज स्टेटमेंट तो लिखी है उसकी सर, वो जो आपने गई थी स्टेटमेंट आखिर में लिखवाऊंगा, तो लिखनी थी, लिख देते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू सी ए is equal to under root 65 units, therefore a b c are the vertices of an isosceles triangle, and prove। सर स्टेटमेंट का एक मार्क है क्या? नहीं नहीं यार लिख लो तो अच्छी बात है, क्योंकि देखो सेकंड ईयर के जितने भी सवाल आते हैं वो सारे के सारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम्स में जो है ना स्टेटमेंट लिखना जरूरी होती है। हाँ तकरीबन वर्ड प्रॉब्लम्स ही है, मैं ऐसा देखी थी बुक में, बहुत सारी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, बस कैलकुलस के अंदर वर्ड प्रॉब्लम्स नहीं है, उसमें सवाल आते हैं, बाकी सब में वर्ड प्रॉब्लम है। वैसे मैं आप लोगों को जो है ना ये एमसीक्यूज मेरे पास सारे सवाल सारे टाइप हुए हैं, वो मैं उसकी पीडीएफ आपको सेंड कर देता हूँ आज इंशाल्लाह। ताकि आप लोग सवाल को पढ़ के, बेटा आप इन सवालों को दोबारा सॉल्व करिएगा और सवाल को पढ़ के समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि सेकेंड ईयर के सवाल में यही इशू होता है कि जब पढ़ाए जा रहे होते हैं तो समझ आते हैं, लेकिन जब खुद से करने बैठते हैं ना तो नहीं समझ आते। अच्छा तो क्वेश्चन नंबर 6 है, शो दैट दी 3 पॉइंट्स a comma a minus a comma minus a and minus a root 3 comma a root 3 are the angular points of an equilateral triangle। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये equilateral triangle के points हैं, ये बात प्रूव करनी है। तो आपके पास triangle के 3 points दिए हुए हैं,
इस सवाल में हमें वही काम करना होगा जो पिछले सवाल में किया था, डिस्टेंस निकालना होगा हमें। हम डिस्टेंस निकालेंगे ए बी, बी सी एंड सी ए, ये तीनों के तीनों डिस्टेंस इक्वल आएंगे। आई थिंक इनका आंसर आएगा टू रूट टू ए, तीनों का शायद ये आंसर आएगा, मुझे सही से याद नहीं। तीनों इक्वल आ जाएंगे तो हम कहेंगे कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो ये सवाल आप लोगों को खुद से करना है, इसको फौरन कॉपी कर लें, एक मिनट रह गया है क्योंकि हमारे पास। ये सवाल आप लोग करके मुझे नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह चेक कराएंगे। अच्छा, मुझे जो होमवर्क है वो कुछ ही बच्चों ने भेजा है, तमाम बच्चों ने नहीं भेजा। बेटा काइंडली साथ साथ होमवर्क कर करके आप लोग जो उनकी पिक्चर्स मुझे भेजते रहें ताकि मैं उनको देख सकूं। सर किया तो है होमवर्क? हाँ होमवर्क मैंने किया है, भेज दूं? हाँ तो भेज देना ना भी क्लास के बाद। किसके हाथों? व्हाट्सएप कर देना भाई तस्वीर। अच्छा अच्छा सर, क्वेश्चन नंबर 3 भेज दो सर। हाँ वो मैं भेज दूंगा, ठीक है। इसको कॉपी कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो, क्लास का टाइम बस खत्म हो रहा है। हो गया। सर कहाँ भेजना है आपको? जी व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजनी है सवाल करके। आपको पर्सनल या आपने मुझे ग्रुप बनाना होता है? पर्सनल भेज दे मुझे। मैंने कल के लेक्चर्स भी अपलोड कर दिए हैं, वो भी देख लिएगा अगर।